68 सीता की प्रसन्नता। सूका राक्षस ने जाकर रावण को सूचना दी, मैंने आपके निर्देशों के अनुसार अपना काम किया। विराद कबंध खर आदि का वध करके सुग्रीव की सेना लेकर आ पहुँचे हैं। किसी प्रकार सीता को बंदी बनाकर रखने के स्थान का उन्हें पता चल गया है। भालू और वानर समुद्र पार कर लंका के सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। दृश्य पृथ्वी इससे आच्छादित है। सेना चर्चा और बहस से कुछ हासिल नहीं होता, उनका संघर्ष केवल हमारे खून से बुझाया जा सकता है। हे राजा, अच्छी तरह से विचार करें कि क्या करने की आवश्यकता है और इसे करें। फिर भी अगर सीता को बहाल कर दिया जाए तो भाग जाना। रावण क्रोधित था। आपने क्या कहा? वह रोया, मुझसे कोई सीता जी के लौटने की बात न करे। जो इस प्रकार की बातें करते हैं वे मेरे बल को नहीं जानते। मैं देवताओं वानरों गंधर्वों और यक्षों का वध कर सकता हूँ। मेरी बाणें स्वयं इंद्र और यम को भी भस्म कर सकती हैं। राम और उनकी सेना नष्ट हो जाएगी। रावण ने जो कहा उस पर विश्वास किया। वह अपनी पिछली उपलब्धियों पर लंबे समय से विचार कर रहा था और गर्व से भर गया था, मूर्खतापूर्ण जिद्दी बन गया था। फिर उसने अपने दो मंत्रियों को भेजा और उन्हें बताया। स्काउट्स ने आकर बताया है कि एक बड़ी सेना ने लंका के लिए एक रास्ता बनाया है और यहाँ आया है। ये वास्तव में अजीब है समाचार, लेकिन अभी तक कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है। जाओ और दुश्मन का निरीक्षण करो और मुझे उनकी ताकत की पूरी और विस्तृत रिपोर्ट लाओ। लेकिन विभीषण ने उनके भेष का पता लगाकर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें राम के सामने पेश किया। उन्होंने निवेदन किया कि वे केवल उनके राजा द्वारा भेजे गए दूत थे और रिहाई के लिए प्रार्थना की। राम ने कहा उन्हें हमारी सेना दिखाओ, लौटने से पहले उन्हें अच्छी तरह से देखने दो, उन्हें दे दो हमारी ताकत को देखने का पूरा मौका। और हे राक्षस दूत, जब आप रावण के पास वापस जाएं, तो उससे कहें सीता को दूर ले जाने के दौरान आपने जिस ताकत पर भरोसा किया था उसकी अब परीक्षा होनी है। आपका किला आपका शहर और आपकी सेना नष्ट हो गए। राम के तीर तुम्हारे शरीर को छेद देंगे। हाँ, ये संदेश अपने राजा को पहुँचा दो। गुप्तचरों ने राम के वचन सुने और उन्हें अपने स्वामी तक पहुँचाने के लिए तैयार हो गए। फिर शायद आदत से प्रेरित होकर उन्होंने कहा आपकी जय हो। वानर सेना ने इसे एक अच्छा शगुन माना। जासूस रावण के पास वापस गए और कहा हे राजा, हम विभीषण द्वारा खोजे गए थे और मृत्यु के भय में थे, लेकिन राम ने उन्हें हमें मारने नहीं दिया और उन्होंने हमारी रिहाई का आदेश दिया। राजा हमारे दुश्मन दृढ़ हैं। राम और लक्ष्मण वानर राजा सुग्रीव और विभीषण वे सभी एक मन के हैं। हमारे लिए ऐसे योद्धाओं के नेतृत्व वाली सेना के खिलाफ जीत हासिल करना मुश्किल है। हमने दशरथ के पुत्र राम को देखा है, उन्होंने हमें प्रभावित किया कि वे हमें नष्ट करने के लिए खुद ही काफी मजबूत हैं। शहर और सेना हमने वानरों के साहस और युद्ध के लिए उनकी उत्सुकता को देखा है। उनके साथ युद्ध का भाग्य आजमाना समीचीन नहीं है। सीता को राम को लौटाना सबसे अच्छा लगता है। इस पर विचार करें कि क्या किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से सलाह ईमानदार थी और अच्छा मतलब था, लेकिन रावण अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। उन्होंने कहा भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं डरने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर सभी देवता गंधर्व और वानर एक साथ मिलकर मेरा विरोध करते हैं तो मैं सीता को वापस नहीं करूँगा, क्योंकि आप दुश्मन द्वारा मारे गए थे। आप मुझे ये कायरतापूर्ण सलाह देते हैं मूर्छित मन, कहाँ है वो शत्रु जो मुझे जीत सके? ये कहकर वो अपनी ऊंची मीनार पर गया और स्वयं शत्रु की शक्ति का जायजा लिया। उनके मंत्री और अधिकारी उनके साथ थे। जो लोग डोह लेने के लिए बाहर गए थे
उन्होंने वानर प्रमुखों और उनके पीछे की सेना का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने दुनिया के दूर दराज के जंगलों, पहाड़ों और नदी घाटियों से एकत्रित भालू और बंदरों की उस विशाल सेना की ताकत का वर्णन किया। उन्होंने उनकी शारीरिक शक्ति और साहस, राम के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति, उनकी एकता और राक्षसों को मारने की उत्सुकता की बात की। जो लोग गए थे उन्होंने इसकी पुष्टि की। नजर, उनमें से एक ने कहा, वो राजसी और सुशोभित युवा जटाओं और हाथ में धनुष के साथ राम है। देखे कि वह कैसे प्रेम और आज्ञा की आंखों से अपने चारों ओर देखते हैं और कैसे उनकी निगाहें तिमाहियों को रोशन करती हैं और सभी को भक्ति और आत्मविश्वास से भर देती हैं। उनके पास शक्तिशाली सशस्त्र योद्धा उनके भाई लक्ष्मण हैं, अल्पविराम, एक अद्वितीय धनुर्धर और राम की दूसरी आत्मा, और देखो उसके बगल में बाली की माला पहने सुग्रीव है, वो स्वयं बाली के बराबर है। वहाँ उसके बगल में आप अपने भाई विभीषण को देखते हैं। ऐसे योद्धाओं को जीतना आसान नहीं है। अच्छी तरह से विचार करें और ऐसी स्थिति में जीत के लिए जरूरी सभी कदम उठाएं। मंत्रियों ने शत्रु के पराक्रम की प्रशंसा की। रावण का क्रोध और भी उग्र होता गया। यह अत्याचारी का तरीका है। बुद्धिमान राजा उन लोगों से कभी क्रोधित नहीं होता जो उसे सच्ची जानकारी देते हैं या उसके कल्याण के लिए अच्छी सलाह देने वाले मंत्रियों से। लेकिन अब रावण का मन भ्रमित हो गया था। उनके पास सही तथ्यों या अच्छी सलाह के लिए कोई उपयोग नहीं था। उनके विचार एक अजीब रेखा का अनुसरण करते थे। उन्होंने राम को उनके चरित्र से परखा। उसने सोचा कि यदि सीता को किसी प्रकार से अपने अधीन कर लिया जाए तो राम लज्जित और टूटे मन से घर लौट आएंगे। इसलिए एक अलग तकनीक के साथ एक आखिरी प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक राक्षस जादूगर की मदद मांगी। ओह, लाइटनिंग जीब, उन्होने कहा, यह उनका नाम था, ऐसा सिर तैयार करो जो बिल्कुल राम जैसा दिखता हो कि यह राम के सबसे करीबी और प्यारे को विश्वास दिलाएगा कि यह उनका है। जब मैं तुम्हारे लिए भेजूं, तो उस पाक में आओ जहां सीता कैद है और उसे उसके सामने रख दो। तांत्रिक उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो गया। तब रावण एक बार फिर अशोक पाक गया और सीता को बहकाने की कोशिश की। आपके पति और उनकी सेना नष्ट हो गई है, कहा जाए मेरे योद्धाओं ने समुद्र पार किया और राम और उनके बंदरों पर हमला किया। जब वे थके हुए थे और सो रहे थे, उन सभी को मार डाला। एक योद्धा आपके पति का सिर देखने के लिए लाया है। आप अभी भी अपनी हट पर क्यों कायम हैं? अब मेरी पत्नियों में शामिल हों और उनके प्रमुख के रूप में शासन करें। मेरी सलाह लीजिए और लंका की रानी बन जाइए। तांत्रिक आया और सीता के सामने एक सिर रखा जो बिल्कुल राम जैसा लग रहा था। दृष्टि से चौंक कर सीता रोई, सोथिन, क्या यह मेरा भाग्य है, और निराशाजनक विलाप में टूट गया। इस बीच राम की सेना लंका के करीब आ गई थी और मंत्रियों और सेनापतियों ने तत्काल साक्षात्कार की इच्छा रखते हुए रावण को संदेश भेजा। इसलिए रावण को सीता को तुरंत छोड़ना पड़ा और विधानसभा हॉल में जाना पड़ा। जादूगर के भ्रम को बनाए रखने के लिए रावण की उपस्थिति आवश्यक थी। इसलिए जब उन्होंने उस स्थान को छोड़ा तो राम के सिर की झलक धुएं की तरह गायब हो गई। सरमा, जो सीता की सहचरी के रूप में तैनात राजघराने की एक महिला थी, ने भ्रम की व्याख्या करते हुए उन्हें सांत्वना दी। उसने कहा, राम को किसी ने नहीं मारा है, वो एक महान सेना के नेतृत्व में लंका पहुँचे हैं। उन्होंने समुद्र के पार एक अद्भुत मार्ग बनाया है और पूरे लंका में एक जलमग्न समुद्र की तरह है। राक्षस घबराए हुए हैं। रावण केवल आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, सरमा ने सीता को सूचित किया। कई मंत्रियों ने रावण को आपको बहाल करने और बिना शर्त प्रस्तुत करके खुद को बचाने की सलाह दी। राम,
मैं सीता को कभी वापस नहीं लूंगा और शांति की गुहार लगाऊंगा। पवित्र महिला, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। राम निश्चित रूप से जीतेंगे और ये दुष्ट नष्ट हो जाएगा। जब शर्मा बोल ही रही थी, तब वानर सेना द्वारा बजने वाले ढोल और तुरहियों का शोर सीता के कानों तक पहुंच गया और उन्हें खुशी से भर दिया। वो जानती थी कि रावण का अंत निकट है। लंका में राक्षसों ने वही शोर सुना और डर से कांपने लगे।